या बातमीचे प्रायोजक आहेत ओंकार प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। शेती उपयोगी साहित्य, शेती संबंधी साहित्य आणि इतर साहित्य होलसेल दरात मिळण्याचे जुन्नर तालुक्यातील एकमेव ठिकाण। कोठार असलेल्या गोंदिया जिल्ह्याची ओळख आहे। प्रत्येक वर्षी धान घोटाळा झाल्याचं समोर येतं, त्यामुळे धान घोटाळा आणि गोंदियाचं समीकरण हे काही आपल्यासाठी नवीन राहिलेलं नाही। गोंदिया जिल्हा हा धान उत्पादक जिल्हा असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात धान पिकाचं या ठिकाणी उत्पादन केलं जातं आणि उत्पादित केलेला धान हा आदिवासी विकास महामंडळ आणि जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या शासकीय आधारभूत खरेदी केंद्रावर घेतला जातो। खरेदी केलेला धान्य राईस मिल चालकांच्या मार्फत मिलिंग करून तांदळाचा पुरवठा करण्यात येतो। जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात धान घोटाळे झाले असल्याचं आपणास पाहावयास मिळतं। मात्र शासकीय आधारभूत खरेदी केंद्रावरून राईस मिलमध्ये येणारा धान हा किती खराब आहे याचाच खास रिपोर्ट आज आपण पाहणार आहोत। आपण नेहमीच राईस मिलद्वारा खराब तांदळाचा पुरवठा झाल्याच्या अनेक तक्रारी ऐकत असतो, पण यावेळी मात्र राईस मिल मालकांनी कशा प्रकारे तांदूळ तयार करावा आणि तेही शासकीय नियमांना धरून अशा पेचात आता राईस मिल धारक पडलेले आहेत। गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यामध्ये अनेक धान खरेदी केंद्रावर धान नसल्यामुळे धान केंद्रातील संचालक धान हे कमी दरात खराब धान खरेदी करून त्याचा पुरवठा नवीन धान्य म्हणून राईस मिल धारकांना धानाचा पुरवठा करण्यात आलाय। जेव्हा धानाची प्रत्यक्षात पाहणी केली असता अनेक ठिकाणी खराब झालेला धान, जडलेला धान आणि एवढंच नाही तर अनेक धानांच्या पोत्यांना कोंब आलं असल्याचं पाहावयास मिळालंय। त्यामुळे राईस मिल धारक संकटात सापडले आहेत। एवढंच नाही तर धान खरेदी संचालक हे कोणाचं ऐकत नसल्यामुळे राईस मिल चालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतोय। प्रशासन यांच्याकडे लक्ष देऊन चांगल्या प्रकारचं धान राईस मिल धारकांना मिळावं, त्याचप्रमाणे धान केंद्रावर नियंत्रण कशा प्रकारे ठेवता येईल याबाबत धोरण आखण्याची गरज आताच्या घडीला आहे। राईस मिल धारकांना खराब झालेला धान पुरवण्यात आल्यामुळे लाखोचा तोटा सहन करावा लागतोय, त्यामुळे शेतकऱ्यांसारखीच आम्ही सुद्धा आत्महत्या करावी का हा प्रश्न आता राईस मिल धारकांसमोर उभा राहिलाय। आता तरी प्रशासनाला जाग येऊन चांगल्या प्रकारचा धान राईस मिल धारकांना पुरवतील का हीच अपेक्षा। हम लोग क्या करते हैं, सरकार को चावल देते हैं, पहले धान लाते हैं फिर सरकार को चावल देते हैं। अब ये जो धान आया है तुमसर सोसाइटी का, जिसका नाम है कल्याण बहुउद्देशीय सहकारी बेरोजगार संस्था तुमसर, मांगली की है ये, उन्होंने उनको उनका डीओ हमको डीएमओ ने फाड़ के दिया। हमने धान लेने के लिए अपना आदमी और गाड़ी भेजे तो उसने दो गाड़ी जिस दिन हमारा आदमी गया उस दिन वापस कर दिया और उसने कहा कि जैसे जैसे व्यवस्था होगी मैं आपकी गाड़ी बुलाते रहूंगा। हमको रोज कम से कम भी 10-12 दिन के आज दूसरी गाड़ी बुला लिया, जिसकी बुला लिया, फिर हमने गाड़ी भेजे तो बोले एक ही गाड़ी भेजो मैं गाड़ी भर दूंगा। हमने गाड़ी भेजे, वो पहली गाड़ी आई हमारी 29/5 को, जिसमें कट्टे आए 670, जिसमें नवीन बारदाना लिखा है 600 और जूना बारदाना लिखा है 70 और जिसमें से कम भी 200 कट्टे बिल्कुल खराब है। जो फिर उससे हमने बात की कि भाई आपका 122 कट्टा खराब आया है, ये ऐसा माल हमको तो सरकार चावल लेगी नहीं, तो ये तो हमारे कोई काम का नहीं है, ये तो नान है फेंक्यू धान है जो जानवर भी नहीं खाते। तो उसने कहा कि भैया गलती हो गई होगी, मैं अगली गाड़ी अच्छी भर के भेजूंगा। और जब दूसरी गाड़ी आई तो दूसरी गाड़ी भी आई तो वो 700 कट्टे की आई, जिसमें ये अभी आपने जिसका ये गाड़ी वही है दूसरी वाली, जिसमें आपने देखे कि पूरे कट्टे पुराने हैं और इसने लिखा है नवीन कट्टा 500 इस गाड़ी में लिखा हुआ है।
नवीन कट्टा कहीं नहीं है, कोम लगा हुआ है, जला हुआ धान है। जब हमने उससे बात की कि भैया ये माल आप ये माल का कैसा करेंगे, उसके बाद उसने मैंने उससे कहा कि ये गाड़ी मैं वापस भेज रहा हूँ, तो उसने कहा कि भैया मैं वापस लेता नहीं, तुमसे जो बनता है कर लो। उसने लिखित में कल रात को डीओसओ साहब को दिए, भंडारा डीओ साहब को, पाटिल साहब को, जिसका ये डीओ फटा हुआ है। तो इस प्रकार का अगर अन्याय व्यापारी के साथ होगा, लोग बोलते हैं कि भाई मिल वाले गलत कर रहे हैं, मिल वाले सबको लूट रहे हैं, मिल वाले गलत, भी मिल वाले कोई गलत नहीं कर रहा, इन सोसाइटी वालों की बराबर वाच होनी चाहिए। प्रशासन ने हमको बम्बा मारने की परमिशन देना चाहिए कि आप अपना धान बम्बा मार के उठाओ, जो हल्का माल है वो छोड़ दो। जिस प्रकार से वो चावल क्वालिटी चेक करके लेते हैं, तो हमको भी धान क्वालिटी चेक करके मिलना चाहिए कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस प्रकार का धान अगर हमको आया तो क्या हमने भी आत्महत्या कर लेना चाहिए मिल वाले ने? सरकार उस पर भी ध्यान देगी? न्यूज रिपोर्टर चेतन समृत, आज 24 तास, गोंदिया। नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज 24 तास सबस्क्राइब करा, त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मिळवा आमच्या बातम्यांच्या नोटिफिकेशन्स। तसेच आज 24 तासची प्रत्येक बातमी आपल्याला कशी वाटली हे कळवा, लाईक करून, कमेंट करून आणि आमच्या बातम्या शेअर सुद्धा करा।